Once again, back on public demand. Let me see your AMG. शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के एक बीच को देखते हैं जहाँ पर जॉर्ज नाम का लाइफ गार्ड कार में सो रहा होता है। तब उसका फ्रेंड रोरी वहाँ आकर उसे जगाता है और बताता है कि तुमने एंगेजमेंट पार्टी में मेरी सिस्टर टीना को प्रपोज नहीं किया, इसीलिए वो बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। इसके बाद जॉर्ज टीना के पास जाकर उससे बात करने लगता है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वहीं रोरी बीच को चेक करने चला जाता है, तभी हम देखते हैं कि एक व्हाइट शार्क भी उसके पीछे जा रही है। उस समय वहीं पर एक और आदमी भी स्विमिंग कर रहा होता है, तभी व्हाइट शार्क वहाँ आकर उसे खा जाती है। ये देख लाइफ गार्ड वो सभी को पानी से बाहर आने के लिए बोलता है, लेकिन रोरी अपना बोर्ड लेकर काफी दूर चला गया होता है, इसीलिए जॉर्ज अपनी जेस्की लेकर उसे बचाने जाता है, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही व्हाइट शार्क रोरी के बोर्ड पर अटैक कर देती है। अब जॉर्ज भी वहाँ पहुंच जाता है, रोरी का हाथ पकड़ कर उसे बाहर निकालने वाला होता है, तभी व्हाइट शार्क वहाँ आकर उसे भी खा जाती है। अपने फ्रेंड को खोकर जॉर्ज बहुत दुखी होता है। इसके बाद सीन एक साल बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जॉर्ज सब अकेले रह रहा है क्योंकि टीना सिंगापुर वापस लौट गई है, और जॉर्ज आज भी रोरी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानता है, इसीलिए वो हमेशा उसके बारे में सोचता रहता है और दुखी रहता है। जॉर्ज को न्यूज से पता चलता है कि समय व्हाइट शार्क का झुंड बीच की तरफ आने वाला है, इसलिए सभी को अलर्ट रहने के लिए बोला जाता है। जॉर्ज ने लाइफगार्ड की जॉब छोड़ दी थी और अब एक सुपरमार्केट में जॉब कर रहा था। आज जॉर्ज जब अपनी जॉब के लिए निकलता है तो उसे आज का मौसम बहुत अजीब लगता है, क्योंकि उसके घर के बाहर का डॉग बहुत परेशान दिखाई देता है और बहुत सारे पक्षी समुद्र की तरफ से आ रहे होते हैं। ये नजारा देखकर ऐसा लगता है कि आज कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसके बाद जॉर्ज ग्रोसरी स्टोर में चला जाता है, जहाँ पर हम जेमी नाम की एक लड़की को स्टोर से सामान चोरी करते हुए देखते हैं, जिसे वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड देख लेता है। लेकिन जेमी उससे बचकर अपने बॉयफ्रेंड रायन के पास चली जाती है, जो उसी स्टोर में काम करता है। तभी स्टोर का मैनेजर वहाँ आ जाता है और रायन को उस लड़की के साथ पाकर उसे जॉब से निकाल देता है। इसके बाद वो जेमी को भी जेल भेजने के लिए एक पुलिस ऑफिसर को यहाँ बुलाता है। जॉर्ज जब स्टोर में काम कर रहा होता है, तभी टीना अपने नए बॉयफ्रेंड स्टीवन के साथ वहाँ आती है। टीना को नई लड़की के साथ देखकर जॉर्ज परेशान हो जाता है और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला जाता है, क्योंकि वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। वहीं जो पुलिस ऑफिसर टॉड जेमी को पकड़ने आया होता है, वो जेमी का फादर होता है, इसीलिए वो जेमी को जेल जाने से बचा लेता है। दरअसल टॉड जॉब के चक्कर में फैमिली को ज्यादा टाइम नहीं दे पाता, इसीलिए जेमी को लगता है कि टॉड उसे प्यार नहीं करता। टॉड जब जेमी को अपनी गाड़ी में बैठाता है, तभी उसे गन लेकर एक आदमी स्टोर में जाता है, वो दिखाई देता है। ये देख टॉड उसे फॉलो करने लगता है। इसके बाद वो आदमी जिसका नाम डायल है, वो मास्क पहनकर मैनेजर के ऑफिस में चला जाता है और मैनेजर को गन पॉइंट पर लेकर तिजोरी का सारा पैसा मांगता है, लेकिन मैनेजर उसे दिखाता है कि वहाँ पर कोई भी पैसा नहीं है। इस पर डायल उसे जान से मारने की धमकी देता है, तब मैनेजर उसे अपने साथ एक दूसरी जगह लेकर जाने लगता है। तभी टॉड उसे देख लेता है और डायल को अपनी गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन अब डायल का मेन पार्टनर भी वहाँ जाता है और मैनेजर की असिस्टेंट जूली को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसके बाद वो टॉड को गन ड्रॉप करने के लिए बोलता है। वहीं दूसरी तरफ रायन जेमी के पास जाता है, उसे कार से बाहर निकाल देता है। रायन उस पर गुस्सा करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी जॉब गई है, इसीलिए जेमी वहाँ से स्टोर में चली जाती है और रायन अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। वहाँ पर हम काइल नाम की लड़की को भी देखते हैं, जो अपनी गर्लफ्रेंड हैदर के साथ मेकआउट करने के लिए यहाँ आया है। दूसरी तरफ जॉर्ज जब वॉशरूम में होता है, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, इसीलिए वो भी बाहर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डायल के पार्टनर ने जूली को शूट कर दिया है। इससे डायल अपने पार्टनर पर गुस्सा करता है क्योंकि वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इसके बाद डायल का वो पार्टनर अपनी को गन पॉइंट पर ले लेता है, इससे जॉर्ज टेंशन में आ जाता है। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग बहुत डर जाते हैं, तभी अचानक से वो पूरा स्टोर हिलने लगता है, इससे सभी लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। फिर हमें बाहर दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी आ जाती है, जिससे वहाँ की सभी बिल्डिंग और स्टोर के अंदर पानी भरने लगता है और वहाँ चारों तरफ तबाही मच जाती है, जिसकी वजह से स्टोर के अंदर के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन जॉर्ज डायल पुलिस ऑफिसर टॉड और स्टीवन अभी सेफ दिखाई देते हैं। इसके बाद जॉर्ज उन सभी को सेविंग यूनिट के ऊपर ले जाता है, जहाँ पर जॉर्ज देखता है कि टॉड का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया है। कुछ देर बाद जेमी भी पानी से बाहर आ जाती है और टॉड को जिंदा देखकर खुश हो जाती है, तभी उसे रायन के बारे में याद आता है, जो सुनामी आने से पहले अपनी कार में बैठा था। जेमी उसे बचाने के लिए जाती है, लेकिन डायल उसे मना करता है क्योंकि बाहर से ज्यादा पानी हो सकता है। तभी मैनेजर टॉड का असिस्टेंट बॉब और टीना भी पानी से बाहर आ जाते हैं। जॉर्ज टीना के पास जाता है और उसे भी ऊपर ले आता है, जहाँ टीना देखती है कि कोई चीज डेड बॉडी को खा रही है। अब इसके बाद नायोमी भी वहाँ आ जाती है और डायल उसे ऊपर खींच देता है, लेकिन इस एक्सीडेंट में डायल का पार्टनर मारा जाता है। इसके दूसरी तरफ काइल अपनी गर्लफ्रेंड हैदर के साथ कार में फंस गया था और दोनों हेल्प के लिए चिल्ला रहे थे। वहीं पर रायन को जब होश आता है तो वो कार की विंडो तोड़कर बाहर आ जाता है, तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है, लेकिन उसे वहाँ कोई भी दिखाई नहीं देता, इससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉर्ज टॉड के पैर में घुसा हुआ टुकड़ा निकालता है और वहाँ पर कपड़ा बांध देता है। अब ये सभी वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगते हैं, लेकिन टॉड जख्मी होने से स्विम नहीं कर सकता था, इसलिए टीना स्टीवन और बॉब मदद खोजने के लिए वहाँ से बाहर जाने के लिए निकलते हैं। टीना और स्टीवन मेन आउटपुट की तरफ जाते हैं और बॉब वेयर हाउस की ओर जाता है, तभी नायोमी को पानी में एक बड़ी सी चीज तैरती हुई दिखाई देती है। इसे देख जॉर्ज सभी को ऊपर आने के लिए बोलता है। टीना और स्टीवन देखते हैं कि मेन आउटपुट का डोर ब्लॉक हो गया है, इसीलिए वो जल्दी से ऊपर आ जाते हैं, लेकिन बॉब को व्हाइट शार्क पकड़ लेती है। जेमी और टॉड उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है, इसे देख सभी बहुत डर जाते हैं। इसके बाद उनको वहाँ पर एक बहुत बड़ी व्हाइट शार्क दिखाई देती है, इसे देख सब समझ जाते हैं कि वो एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में रायन को चारों तरफ डेड बॉडी दिखाई देती है, इसे देखने से ऐसा लगता है कि किसी चीज ने उनको खाया है। अब काइल भी अपनी कार के अपर पार्ट को खोलकर बाहर निकलता है। हैदर को भी वहाँ एक बड़ी व्हाइट शार्क दिखाई देती है, जो उनकी कार के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। वहीं दूसरी तरफ जॉस और बाकी लोग व्हाइट शार्क के बीच फंसे होते हैं, तभी वहाँ पर हाई वोल्टेज वाली इलेक्ट्रिक वायर भी नीचे लटक जाती है, इसके पानी में टच होते ही सभी लोगों की जान जा सकती है, इससे इन सबकी परेशानियां दुगनी हो जाती है। जॉस बताता है कि इसकी मेन सप्लाई वेयर हाउस से है। इसके बाद वो सप्लाई को बंद करने के लिए वहाँ जाने लगता है, लेकिन टीना उसे मना करती है क्योंकि उसकी बॉडी से ब्लड निकल रहा था, इसलिए व्हाइट शार्क उस पर अटैक कर सकती थी। तभी स्टीवन को एक आइडिया आता है, वो खुद को शॉपिंग कार्ट के एक आर्मर में बंद कर लेता है, जिससे कि व्हाइट शार्क उस पर अटैक नहीं कर पाए। जब स्टीवन और जॉस अकेले होते हैं, तभी स्टीवन जॉस को बताता है कि टीना मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, वो अभी भी तुमसे पहले जितना ही प्यार करती है और वो जानती है कि रोरी की मौत की जिम्मेदार तुम नहीं हो। खैर, अब स्टीवन को अपनी जान जोखिम में डालते हुए देख टीना इमोशनल हो जाती है। इसके बाद स्टीवन ऑक्सीजन ट्यूब लगाकर वेयर हाउस की तरफ जाने लगता है। वो मेन सप्लाई तक पहुंचने वाला होता है, लेकिन ऑक्सीजन ट्यूब उतना लंबा नहीं था। ये देख जॉस परेशान हो जाता है। तब स्टीवन उसकी जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने का डिसाइड करता है। वो अपना ऑक्सीजन ट्यूब निकाल देता है और वहाँ के मेन स्विच को बंद कर देता है, लेकिन उसके पैर में वेट बंधा था।
था, इसीलिए वो काफी कोशिश के बाद भी पानी से बाहर नहीं जा पाता और अपना दम तोड़ देता है। ये देख टीना बहुत रोने लगती है। वहीं अब डायल डिसाइड करता है कि वो कभी भी चोरी करने का काम नहीं करेगा। वहीं रायन कायल और हैदर की हेल्प करने के लिए एक मरे हुए आदमी का हाथ काटता है और उसकी मदद से व्हाइट शार्क को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसके बाद कायल और हैदर अपनी कार से निकलकर एक दूसरी कार तक पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ जोस को वेंटिलेटर बॉक्स दिखाई देता है, इसीलिए वो वहां से होकर बाहर निकलने का प्लान बनाता है। डायल वहां रस्सी फंसाने में जोस की हेल्प करता है, लेकिन मैनेजर बहुत सेल्फिश था। वो कहता है कि सबसे पहले मैं यहां से निकलूंगा। डायल और जोस उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता है वहां पर बहुत सारे केकड़े आ जाते हैं, जिससे मैनेजर बहुत डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी उसकी आवाज सुनकर व्हाइट शार्क वहां पर आ जाती है और उसकी बॉडी को बीच में से काट देती है। इसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है। अब इनको समझ में आ जाता है कि वहां से बाहर जाने का आइडिया बेकार है। दूसरी तरफ हैदर को दिखाया जाता है, वो कायल से नाराज थी क्योंकि कायल ने उसके डॉगी को कार के अंदर ही छोड़ दिया था। अब रायन कायल तक पहुंचना चाहता था, लेकिन वहां कोई रास्ता ना पाकर वो पाइप के ऊपर लटक कर जाने का डिसाइड करता है। वो पाइप की हेल्प से वहां तक पहुंचने वाला होता है, उसका हाथ छूट जाता है और वो पानी में गिर जाता है। लेकिन व्हाइट शार्क के अटैक करने से पहले ही कायल उसे बाहर खींच लेता है, लेकिन इस दौरान वो खुद पानी में गिर जाता है। रायन और हैदर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन व्हाइट शार्क उसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देती है। वहीं सुपर मार्केट के अंदर डायल व्हाइट शार्क को एक हुक में फंसाकर वहां से बाहर निकलने का प्लान बनाता है, लेकिन इसके लिए उसे एक मीट हुक की जरूरत पड़ेगी। अब जैमी किसी तरह व्हाइट शार्क से बचते हुए बूचर सेक्शन में पहुंच जाती है। इसके बाद वो रस्सी में हुक और मीट का टुकड़ा फंसा देती है और डायल उसे व्हाइट शार्क से बचाकर वापस खींच लेता है। टीना जोस के पास आती है और उसे समझाती है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसके बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी। इस पर जोस कहता है कि उस दिन बीच को चेक करने की जिम्मेदारी मेरी थी, लेकिन उस दिन मेरे बदले रोरी वहां चला गया और मेरे पहुंचने से पहले सब कुछ खत्म हो गया। टीना उसे कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। इसके बाद ये लोग हुक में मांस का टुकड़ा फंसाकर पानी में डालते हैं, लेकिन व्हाइट शार्क उसे नहीं खाती। तब उसमें से करवी नाम का आदमी कहता है कि उसे सिर्फ ताजा मीट चाहिए। इसके बाद वो नायोमी को गन पॉइंट पर ले लेता है, क्योंकि वो नायोमी को व्हाइट शार्क की बैट यानी चारे की जैसे यूज करना चाहता था। तब डायल उसे कहता है कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता और नायोमी के साथ में वो फंसाकर पानी में गिरा देता है। व्हाइट शार्क उसकी ओर तेजी से बढ़ने लगती है। तभी डायल करवी को अपने भाले से जख्मी कर देता है और नायोमी को पानी से बाहर निकालने के बाद उसे ही हुक में फंसाकर नीचे फेंक देता है। इसके बाद व्हाइट शार्क उसके टुकड़े टुकड़े करके खा जाती है और हुक उसके मुंह में फंस जाता है। इसे देख सबको यहां से बाहर निकलने की एक नई उम्मीद मिल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हैदर रायन से कहते हैं कि हमें कोई भी बचाने नहीं आने वाला। तब रायन उसे समझाता है कि हो सकता है कि हमारे जैसे ही बाकी लोग भी ऐसे ही फंसे हों। तभी हैदर की डॉगी बुली भी वहां जाती है। इसके बाद रायन पाइप को बजाकर हेल्प की सिग्नल देता है। इसे सुनकर जैमी समझ जाती है कि वो रायन है, इसीलिए वो उसे बचाने के लिए चली जाती है। ये देख टॉड उसकी हेल्प के लिए जोस को उसके पीछे भेजता है। इसके बाद जोस और जैमी कार पार्किंग में जाते हैं, तभी व्हाइट शार्क उनकी ओर आने लगती है। ये देख दोनों टॉड की कार पर चढ़ जाते हैं। तब जैमी जोस से बताती है कि इस कार के अंदर शॉर्ट गन रखी हुई है। इसके बाद जोस किसी तरह व्हाइट शार्क से बचकर शॉर्ट गन निकालता है और उसे मारने के लिए पानी में चला जाता है। फिर व्हाइट शार्क जैसे ही अटैक करने आती है, जोस उसके नीचे होकर उसे शूट कर देता है, जिससे उस व्हाइट शार्क की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ बाकी लोग स्टोर से बाहर निकलने का रास्ता खोजते हैं, लेकिन वो एंट्रेंस एक ट्रक से ब्लॉक हो चुकी थी, इसीलिए डायल ट्रक को ब्लास्ट करने का प्लान बनाता है। अब जोस और जैमी भी रायन और हैदर को लेकर वहां जाते हैं। इसी बीच हुक में फंसी हुई व्हाइट शार्क अग्रेसिव हो जाती है और वो खुद को आजाद कर लेती है। ये देख जोस सभी को पानी से बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि अब डायल भी ट्रक की बैटरी में इलेक्ट्रिसिटी देने वाला है। जोस व्हाइट शार्क को शॉर्ट गन से शूट करने जाता है, उसमें बुलेट नहीं थी। ये देख जोस टेजर से व्हाइट शार्क पर अटैक कर देता है। इसके बाद व्हाइट शार्क को हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी शॉक लगता है और वो मर जाती है। इसके बाद डायल ट्रक में पावर सप्लाई देकर उसे ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वहां की एंट्रेंस ओपन हो जाती है और सभी लोग बाहर आ जाते हैं। फिर ये लोग देखते हैं कि वहां का पूरा शहर सुनामी की वजह से तबाह हो चुका है।